अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को 10 आदतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताऊंगी। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों और रिवायतों को बहुत तफसील से बयान किया गया है, जो कि हर मुसलमान को जानना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है नमाज और दुआ। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर के तमाम कामों के साथ साथ अल्लाह के सामने सर झुकाकर अपने गुनाहों का एतराफ करना एक बेहतरीन आदत है, जो कि हर नबी और वली ने किया। नंबर 2 पर है पेट के बल नहीं सोना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पेट के बल लेटने से मना किया है, क्योंकि अल्लाह इस हालत को नापसंद फरमाता है। नंबर 3 पर है खजूर। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन बनाने में मदद करने के लिए खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। अरब में इसका बहुत रिवाज है, वहाँ घर घर दस्तरखान पर ये मौजूद होती है। इसकी खूबियों की वजह से ही रोज़ा इफ्तार करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। नंबर 4 पर है रोज़ा रखना। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ रमज़ान में रोज़ा रखा, बल्कि अलग अलग समय पर रमज़ान के अलावा भी रोज़ा रखते रहे। ज़्यादातर हर पीर के दिन और हर जुमेरात के दिन रोज़ा रखना उनकी आदत थी। नंबर 5 पर है धीरे धीरे पानी पीना। साइंस ने अपनी रिसर्च के मुताबिक ये मान लिया है कि एक ही बार में पानी पीना सिर दर्द और टेंशन का कारण हो सकता है। नंबर 6 पर है जल्दी जागना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए जल्दी उठते थे, यानी फज्र की नमाज से पहले तहज्जुद के वक्त ही उठ जाते थे। और आज साइंस भी कहता है कि सुबह जल्दी उठने से बेहतर एनर्जी मिलती है और दिमाग तेज होता है। नंबर 7 पर है मुस्कुराना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते थे और फरमाया कि मुस्कुराना सदका है, यानी अगर कोई सदका नहीं कर सकता तो कम से कम लोगों से मुस्कुरा कर मिले, इसी से सदका का सवाब हासिल हो जाएगा। नंबर 8 पर है खुद पर गौर और फिक्र करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में खुद जाकर इबादत किया करते थे और कभी कभार लोगों से अलग होकर सिर्फ अल्लाह से लौ लगाते थे। नंबर 9 पर है दांतों की सफाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना हर नमाज के वक्त अपने दांतों को मिसवाक की मदद से साफ करते थे। नंबर 10 पर है सदका देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका देने और गरीबों की मदद करने के लिए बहुत मशहूर थे। आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं है जिसका पेट भरा है और उसके पड़ोसी भूखे सो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।